आज आनंद बख्शी का जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं वो है महेश भट्ट की फिल्म जुर्म से जुड़ा हुआ। इस फिल्म के गाने आनंद बख्शी लिख रहे थे और म्यूजिक डायरेक्टर थे राजेश रोशन। म्यूजिक की सिटिंग्स चल रही थी, महेश भट्ट, आनंद बख्शी और राजेश रोशन गानों पर काम कर रहे थे। ये वो दौर था जब राजेश रोशन के पास कुछ खास काम नहीं था। एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि एक गाने को लेकर राजेश रोशन और आनंद बख्शी में वाद विवाद होने लग गया। जब तक महेश भट्ट बीच बचाव करते, मामला सुलटाते, तब तक राजेश रोशन ने कर दिया अपमान आनंद बख्शी का। आनंद बख्शी इसके बाद खामोशी से उठे और महेश भट्ट को बाहर आने का इशारा किया। बाहर आकर महेश भट्ट आनंद बख्शी से माफी मांगने लगे, लेकिन आनंद बख्शी ने महेश भट्ट को कहा कि हम दोनों में से किसी एक के साथ ही ये फिल्म बन सकेगी। देखो, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन राजू के पास अभी कोई काम नहीं है, और फिर वो मेरे दोस्त रोशन का बेटा है। मैं नहीं चाहूंगा कि वो निकले, इसलिए तुम मुझे निकाल दो। और इस तरह आनंद बख्शी इस फिल्म से बाहर हो गए। लेकिन जनाब, इस घटना के बारे में जिंदा रहते हुए आनंद बख्शी ने कभी अपनी जबान नहीं खोली, कभी किसी को कुछ नहीं बताया। अब है समय एक लिसनर के सवाल का। आज हमारे लिसनर डॉक्टर अनिल वर्मा ने पूछा है कि मधुबाला जैसी स्टार ने खुद के नाम के टाइटल वाली फिल्म में क्यों काम किया, जबकि उन्हें पहले से यह अंदेशा हो चला था कि फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर है। क्या वजह है, आप हमें जरूर बताएं। मैं जरूर बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।